हेलो दोस्तों, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस देखने जा रहे हैं। अफर्मेटिव का हम पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक में जाकर देख सकते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का पहले हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल क्या है, पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका था। तो इसमें भी देखिए दो सेंटेंस है, अब इन दो सेंटेंसों को पहले जो है ये जोड़ने का काम कर रहा है, यानी कि कनेक्टर है, ये जोड़ने का काम कर रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले हम पीछे से बनाते हैं, चोर नहीं भाग चुका था, एक सेंटेंस ये है। दूसरा है पुलिस के आने से, ये दूसरा सेंटेंस है। तो एक नंबर यानी इसका पहले इंग्लिश बनाएंगे, चोर नहीं भाग चुका था। देखिए क्या है, इसमें दो सब्जेक्ट है, एक चोर है, ये सब्जेक्ट वन है, ये जो पुलिस है ये दूसरा सब्जेक्ट है। तो देखिए चोर नहीं भाग चुका था, चोर का होता है अंग्रेजी थीप, द थीप हैड नॉट रन अवे, चोर नहीं भाग चुका था। फिर आएगा बिफोर का इंग्लिश, फिर द पुलिस केम, पुलिस क्या है, ये सब्जेक्ट दूसरा है, द पुलिस केम। ये जो पहला सेंटेंस है ये चोर नहीं भाग चुका था, इसमें वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाते हैं क्योंकि भाग चुका था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब पुलिस के आने से पहले ये जो है ये पास्ट इंडिफिनिट है, और पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब की दूसरी फॉर्म लगाते हैं, इसलिए हम आने का केम लगाए हैं। जो आना होता है, आने की इंग्लिश पहला होता है कम, पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म केम, तीसरा फॉर्म कम, यानी कम केम कम। तो ये दूसरा जो फॉर्म है वो यहाँ पे आ गया। इसका रूल देख लेते हैं, रूल यही है, पहले सब्जेक्ट वन, फिर हैड, फिर नोट, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म, फिर आफ्टर बिफोर आएगा, फिर सब्जेक्ट टू, फिर वर्ब का दूसरा फॉर्म। जैसे इसका बहुत ही बढ़िया दूसरा एग्जांपल है, वो बहुत फेमस भी है, ये जब हम टेंस पढ़ते हैं तो जो ये सेंटेंस है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, इसका यूज अक्सर होता है, और अक्सर कई बार हमसे कुछ लोग पूछ भी लेते हैं स्टूडेंट से कि इसके इंग्लिश बनाओ, अगर टेंस पढ़ते हो तो इसका इंग्लिश बनाओ। डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था। तो देखिए सबसे पहले ये पहले गोला मारिए, क्या है, कनेक्टर है, ये देखिए पहला सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस, मरीज नहीं मरा था, इसकी इंग्लिश हम पहले बना देंगे। द पेशेंट हैड नॉट डाइड, देखिए पहला बन गया, द पेशेंट हैड नॉट डाइड, फिर पहले का इंग्लिश बनाइए, फिर डॉक्टर आने से द डॉक्टर केम हो गया, डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था, द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। देखिए कितना इजी है, ख़त्म। अब अगला हम कर लेते हैं जल्दी से फटाफट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कर लेते हैं, हमारे पास देखिए समय का अभाव है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए हम जल्दी थोड़ा